एवरीवन, गुड मॉर्निंग अगेन, वेलकम बैक ऑन दिस माय यूट्यूब चैनल अवनीश चंद्रा। मैं अवनीश, आप लोगों को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। गाइस, आज मुझे मुजफ्फरपुर जाना था, कुछ काम था घर का, इसके वजह से तो यहाँ पे गाढ़ा स्टेशन मेरे नियरेस्ट स्टेशन है लोकल, तो मैं यहाँ पे आया हूँ। और मुझे पता चला है कि 12 दिनों से गाड़ी बंद है, 12 दिनों के लिए बंद है गाड़ी। 29 मार्च से यह गाड़ी पुनः चलेगी, क्योंकि मुजफ्फरपुर ट्रैक पे, स्टेशन के ट्रैक पे कुछ काम चल रहा है, जिसके वजह से सीतामढ़ी की सारी गाड़ी रद्द कर दी गई है, लोकल एक्सप्रेस सारी गाड़ी बंद कर दी गई है। सो गाइस, मैं गाढ़ा स्टेशन पे हूँ अभी, और मैं कॉल किया हूँ अपने फ्रेंड को, तो गाड़ी लेके आ रहा है, फिर मैं निकलूँगा मुजफ्फरपुर के लिए। तो मैं आपको गाढ़ा स्टेशन दिखाने जा रहा हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहे और वीडियो को थोड़ा भी स्क्रिप्ट ना करें, चलते हैं वीडियो में। देखते हैं, ये गाढ़ा स्टेशन का बोर्ड है, गाढ़ा स्टेशन बाहर से कुछ इस टाइप का दिखता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंजन से रिलेटेड पार्ट सब रखी गई हैं, और कुछ नहीं है खास। यह टिकट खिड़की है, और यहाँ पे कितना किराया है वो सब है। गाइस, ये गाढ़ा स्टेशन का बोर्ड है, गाइस ये देख सकते हैं, एक एक्सप्रेस गाड़ी लगी हुई है, सद्भावना एक्सप्रेस, जो मुजफ्फरपुर में काम पटरी का काम हो रहा है, जिसके वजह से यहीं पे गाड़ी को लगाया गया है, और काम जब चालू हो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, फिर यह गाड़ी चलने लगेगी, लोकल और एक्सप्रेस दोनों सीतामढ़ी साइड से गाड़ियाँ। गाई जी, ये देख सकते हैं गाढ़ा स्टेशन के चापाकल का क्या स्थिति है, ना हैंडल इसमें बचा है और ना पानी। यहाँ पे बैठने के लिए दो तीन इस टाइप के बनाए गए हैं, यहाँ का छोटा सा वेटिंग रूम है गाइस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंजन चालू हो गया है, क्योंकि ऊपर में देख सकते हैं वो 30,000 की वायर इलेक्ट्रिक इंजन के लिए लगाई गई है। सो गाइस, 6 महीना से ये सीतामढ़ी टू मुजफ्फरपुर इलेक्ट्रिक इंजन चालू हो गई है। इस स्टेशन पे बहुत सारी लाइट लगाई गई हैं, लेकिन रात को बहुत कम लाइट जलती है, जिसमें 2-3 लाइट जलती है स्टेशन पे, और बिल्कुल अंधेरा रहता है ये स्टेशन। सिर्फ डब्बा लगा हुआ है यहाँ पे ट्रेन का, और इंजन खुल के चला गया है, और ये गाढ़ा स्टेशन का ओवरब्रिज है, जिसमें आप इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म पटरी से तो नहीं जा सकते ना, तो ओवरब्रिज के थ्रू ही आप उस पार जा सकते हैं। गाढ़ा का ओवरब्रिज कुछ इस टाइप का दिखता है गाइस, और बहुत बड़ा ओवरब्रिज तो है, इसमें एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने का यह रास्ता है। मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिक इंजन 25,000 वाट्स पे चलता है, और कितनी पावरफुल गाड़ी रहती है, इंजन रहती है, जो इतने बड़े डब्बे को बिल्कुल स्मूथली लेके चलती है।
इलेक्ट्रिक इंजन चलने से पहले इस ओवरब्रिज के दोनों साइड राइट लेफ्ट में जाली लगा दिया गया है, क्योंकि 25,000 वोल्ट्स वायर में सप्लाई होती है, जिसके वजह से कोई उससे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। गाइस अभी हम ओवरब्रिज से उतर रहे हैं और गाड़ी मेरी आ चुकी है। सो गाइस अभी मैं वीडियो को करता हूँ एंड, क्योंकि मेरी गाड़ी आ चुकी है और वीडियो में ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।